Mischievous gave me a dare. Hey, Fukura and San, I know you do a lot of dare videos, so I have one very special for you. I dare you to spend 24 hours in the middle of the ocean. Good luck. वो गिर गया है। Like this was the toughest dare कोई मेरे को दे सकता था। Like मैंने कभी नहीं देखा किसी Indian creator को ऐसा करते हुए। But करना था ही क्योंकि this was the biggest collab of my life। तो मैंने next morning flight book करी। आंखें बंद करते ही मैं गोवा में था। Hotel पहुंचते ही मेरे को मिली पहली bad news। क्या हुआ? मुझे सर आपने yacht book करी। कि यॉट ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दिया है एंड सेलर इज नॉट विलिंग, वो 24 घंटे पानी के बीच में रहा। एट दैट मोमेंट मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि मैं डेली टू गोवा फ्लाइट बुक करके चला गया था जस्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज। मैंने होटल के मैनेजर से बात करी एंड हमने यॉट वाले से बहुत मगजमारी करी। बहुत देर यॉट वाले के साथ मगजमारी करने के बाद वी केम टू अ सॉल्यूशन कि दो सेलर्स होने वाले हैं जो स्विच करेंगे आपस में थ्रू अ स्पीड बोट। चले भैया। Alright, finally it's time for action. Like it's 6 in the morning and हम जाने वाले in middle of the ocean. बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. आओ पहले हम boarding करते हैं और फिर देखते क्या होता है आगे. Let's go. Alright, तो ये होने वाला हमारे यार्ड for next 24 hours और आज हमारे ship के captain है Mr. Kishore sir. कैसे हो? वैसे हमारे को दो दिन पहले ये cruise चाहिए थी जैसे आपको पता है, but आज हम जा रहे हैं और आज मौसम कैसा है? मौसम थोड़ा खराब है sir. He was not kidding. अरे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ आज हमारे दो दोस्त हैं, एक चीकू और एक संतरा। एंड मैं पूछना चाहता हूँ तेरा सबसे बड़ा फियर क्या? जो क्रोकोडाइल जाने वाले हैं उसका क्या करना है, मेरे को ये समझा दो कोई। भाई हम क्रोकोडाइल्स और वाटर एनिमल से तो देखो सबको डर लगता है। हम डीप ओशन में जाने वाले ना, पानी में रहना ही मेरा सबसे बड़ा फियर है भाई। एंड जेन्युइन मैं बताऊं वाटर सिकनेस मेरे को भी बहुत ज्यादा होती है, बट आज हम सारे फियर ओवरकम करने हैं। बट फिर भी अगर हमारे को कुछ होता है तो तेरी लाश विश क्या है भाई? मेरी जिस हिसाब से रात कटी है उस हिसाब से लास्ट विश कहने लायक है नहीं। चलो लेट्स गो। भाई साहब काम हो तो विमल वाला जैसा हो, बोलो जुबान केसरी। मतलब ये इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है यार गोवा के बीचों बीच में। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द विमल यूनिवर्स। भाई वेव्स इतनी ऊपर आ रही है, इतनी ऊपर आ रही है। भाई मैं मजाक करके बता रहा हूँ, अभी भैया कह रहे हैं ये 20% है और बढ़ेंगे और भी सही है। लिटरली आई डोंट नो ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा है। खड़ा होके दिखाए ये जैस, खड़ा हुआ तो गिर जाएगा। अरे ऐसी कितने ऐसी खड़ा होके दिखा, मैं अपना डेबिट दूंगा जैस। ओ उठ गया उठ गया। अरे नहीं नहीं गिरेगा गिरेगा गिरेगा। ये डेयर सुनने में आसान लगता है बट नॉट इवन 2 hours into the game, जैसे ही पानी का फ्लो बढ़ा ओशन की वेव्स बढ़ने लगी। रोको इसे, नीचे रूम में ना चल जाओ एसी में। मेरे ख्याल से तो और ज्यादा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये 25 साल से देख रहा हूँ। मैंने इसको बोला भाई नींबू ले आ, कह रहा रहने दे मत मंगा, 71,000 में बुकिंग हुई है, 72,000 ले लेंगे, 1,000 रुपए का नींबू है। सारी तबियत ठीक हो गई। तुम दोनों जाने कुछ खाने का बनाओ, मैं जा रहा थोड़ा रेस्ट कर। तो मैं मेरी सच में तबीयत बहुत ज्यादा हिल गई है तो मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने। एट दैट मोमेंट आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विट। मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं नहीं रह सकता, ये चैलेंज मैं नहीं कर सकता। बट मेरे फ्रेंड्स वहां थे चीकू और संतरा, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं, पहली बार प्रपोज करा था आया था ना पूछने, पटी थी ना तब भी। करना मतलब करना है पूरा करना है। आया था ना मैं भी अंदर से उल्टी करने, नहीं करी ना भाई। 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, 3:30 बज रहे हैं। धूप का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब प्रॉब्लम रिवर की नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम धूप की है। जो अभी बीच में धूप हुई है उसने सनस्ट्रोक दिया ना, उसी वजह से सब गर्म हो गया है। भाई एट दिस मोमेंट आई रियली फील दिस इज द टफेस्ट चैलेंज आई हैव एवर डन। ये बोलना आसान है कि भाई तुम जाके 24 आवर्स कहीं रुक जाओगे, ओके तो बहुत ही ज्यादा रेस्ट कर लिया मैंने। बट अब मैंने डिसाइड करा कि अब दिल्ली वाला लौंडा हूं ना तो फिर गाड़ी जो है ना वो गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। क्या
आपके पैसों पे मौज ले रहा हूँ। वो गिर गया है। पागल गधा है क्या ये? कैसे गिरा है? पागल है। अरे नीचे गिर के चला गया। फिसले। ध्यान रख भाई क्या कर रहा है। पागल है गफ्फा भाई। ऐसी ऐसी हरकतें मत करो। वी हैव टू बी सेफ। मैं भी और रुक जा। लगेगा। अरे भाई आके मारूंगा तेरे। गाइस 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 वो कहते हैं ना कभी किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा ही जिंदगी खत्म हो जाए। इतना प्यार करता हूँ मिस्टर बीस्ट से। मतलब मैंने डेयर मांगा और ये नहीं सोचा मैं डेयर किससे मांग रहा हूँ। थोड़ी समझदारी तो करनी चाहिए। घर जाना भुगत रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मजा बहुत आ रहा है भाई। ना हमारे पास ना भाई। इसको भेजो यार उधर उधर भेजो इसको। मच्छी मुच्छी खा लेगा ये। वो वेजिटेरियन मच्छी है। उधर भाई बैठ बे। क्या खाएगा बोल। सही में नहीं है भाई। मेरी सही में बैक क्यों नहीं है समुंदर से बाहर आके अच्छा लग रहा है पर समुद्र से बाहर आके समुद्र में ही समझ ले यार मैं क्या बोल रहा हूँ। मिस्टर बीस्ट वांटेड अस टू स्टे इन द ओशन फॉर 24 आवर्स। आई होप ही इज वॉचिंग आवर वीडियो बिकॉज सबटाइटल्स मेरी सारी वीडियो में। तो एनीवन जो मिस्टर बीस्ट की ऑडियंस कोई देख रहे हैं तो भाई सारी वीडियो देख सकते यार। लिटरली यार मतलब अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना ऐसे खुले आसमान में। फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमारी यूट्यूब जर्नी कहाँ से चालू हुई थी। लाइक लिटरली फ्रॉम लास्ट ईयर आई बीन वर्किंग सो हार्ड। मैंने इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट दिया है। लाइक मिस्टर बीस्ट हिमसेल्फ कोलैब विद समवन जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर से भी कम है। आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब मी। द डे आई क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तुम्हारा भाई जाने वाला है मिस्टर बीस्ट से मिलने। आवर मैनेजर्स गॉट इनटू कॉन्टैक्ट एंड उन्होंने बोला इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराओ एंड मिलवाते हैं मिस्टर बीस्ट को। लाइक लिटरली इस वक्त सब डेड है भाई। मजाक से हटके 6 बजे आए हुए हैं। 5 बजने वाले हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा फोटो सेशन करा है तो तुम भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पर एक माइक्रोवेव लग रखा है। यहाँ पर एक प्रॉपर बेड रखा हुआ है। यहाँ पर डोर्स हैं। मतलब मैं क्या सकता है ज्यादा यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है और ज्यादा लाइक घबराहट यहाँ होती है। बट अगर तुम सोने जाओ तो इट्स फाइन। तो हम जा रहे हैं सोने। बाय बाय। अरे एक सेकंड क्या बोला भैया दोबारा बताना। इंजन में थोड़ा खराबी हुआ है। 20-30 मिनट लग सकते हैं रिपेयर। भैया उठ जाओ थोड़ा इंजन में प्रॉब्लम हुआ है। आपको कैप्टन ने बुलाया है। प्रॉब्लम हुआ? हाँ प्रॉब्लम हुआ। हमको जाना पड़ेगा शायद मैकेनिक को बुलाने के लिए। आधा घंटा लगेगा। हाँ जी भैया थोड़ा इंजन में खराबी आई है सर। थोड़ा हमको उधर पोर्ट पर जाना पड़ेगा। कुछ लाना पड़ेगा सामान। तो मैं तो ओशन से बाहर नहीं जा सकता। तो हमारा आदमी आपको आपके साथ जाएगा ना डिंगी लेके। छोटी सी बोट है यार वो तो डेंजरस है। कुछ नहीं सर डरने का कुछ नहीं है सर। तो गाइस बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है कि इनको बोट लेके वापसी जाना पड़ेगा। इनका कुछ मैकेनिकल इशू है। तो इन्होंने मेरे को एक ऑप्शन दिया कि आप डिंगी पे वेट कर लो। बट वो थोड़ी स्केरी है। अभी मेरे से ना ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम स्विमिंग विमिंग तो कर लोगे ना क्योंकि कभी भी पलट सकते। यहाँ पे वेव्स इतनी है भाई। मेरी खुद फट रही है। मैं तेरे को क्या बोलूं। मेरे को बोल मत। मेरे ये इतना हिल रहा है भाई। वो छोटी सी कितना हिलेगी वेव्स में। मेरी फटी पहले भी हुई थी पर तेरे से बात करके और फटी। कोई मतलब ऐसा कोई ऐसा कांड नहीं है जो आज नहीं होगा। तू भी भगवान हो हमारे लिए बचा लेना। ये तो बहुत डेंजरस है भाई। ऐसा लग रहा है लक्कड़ हिल रहा है। पापा भाई अगर मुझे कुछ होता है तो सुन तू गवाह है। भैया तूफान आने वाला है थोड़ा बच के रहना। अबे तू क्यों नहीं आ रहा। अब ये होता है जब तुम्हारा टाइम खराब हो ना। कैमरामैन ने भी आने से मना कर दिया। जासूस ने भी ठेंगा दिखा दिया। मेरे को तो इस बात की टेंशन हो रही है। अभिषेक भाई उस छोटी सी बोट में इतनी वेव्स में कैसे बैठेंगे। ना रिपेयर कराते हैं और 15 मिनट में आते हैं। मैं क्या भाई फटाफट आना पड़ेगा क्योंकि वो बोट बहुत छोटी है। हंस रही है यहाँ पर मेरी फटी जा रही है। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ छाड़ के चले गए हैं भाई। ये दिन कसम से बुरे पे बुरा हो जा रहा है। लाइक लिटरली यॉट हमने इसलिए बुक करा था। इतने पैसे इसलिए लगाए थे कि भाई एटलीस्ट हमारी सेफ्टी तो रही। बट हमारे साथ है राम भैया। बचाना है आपने ठीक है। ये डॉक पे तो आ गए हम। तो क्या ठीक कराना है इसमें। इसका जो पेट्रोल फ्यूल पंप जो रहता है ना सर वो रिपेयर करने का है। एक घंटा भाई
वहाँ तो भैया 25 मिनट बोल रहे थे भाई। भैया ऐसे मत करो, वो बेचारे को अकेले बोट में छोड़ के आए हुए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं भैया, ये रॉड लेके खड़े हैं फिशिंग, इनसे अभी तक एक मछली छोड़ो मक्खी भी नहीं पकड़ी गई। भाई जल्दी आ जाओ, कब तक आएगी वो? भैया ने तो स्कैम कर दिया, 20 मिनट बोल गया, 1 घंटा बोल रहे हैं भाई। भाई कमजोर दिल का बंदा, एक साइड को ये झुकी जा रही है। ये क्या हो रहा है भाई, समुंदर बड़ा क्यों रहा है? शिप ले आओ, शिप ले आओ। तो कुछ नहीं होगा, पक्का खिलाड़ी पक्के हैं वो साथ में। हाँ। वो है जो अपना बंदा है, एकदम पावरफुल है। पावरफुल वाली इस बात से क्या याद है? अरे KGF मैंने नहीं देखी भाई, दूर दूर तक कोई आसार नहीं है शिप के आने के। मैं वेट करते करते थक चुका हूँ यार, कहाँ फंस गया हूँ भाई मैं। चलो कोक वोक ले आते हैं भाई तब तक, ठीक है? चलो भाई गाइस कोक वोक ले आते हैं, चिप्स वगैरह। अगर पलट गया तो क्या? बोट तो जाएगा ही जाएगा। बोट हो गई है सही फाइनली, और फुल स्पीड में जा रहे हैं यार। भैया ने मुझे स्कैम कर दिया यार, 20 मिनट का नाम बोला था, कम से कम 40-50 मिनट हो गए हमें। शायद आ गए भाई। अरे वो रे, कौन सी शिप है ये? अपनी कोई है? थोड़ा मैं नजदीक लेके जा रहा हूँ आपको, थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है भाई। यहाँ तो भाई की मस्ती चल रही है। भाई मस्ती कर रहे हैं, भाई मस्ती कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे थे भाई बोट में क्या कर रहा होगा, कैसे बैठा होगा। ए नन्नाई नारे नारे नन्नारो नारे नारे। भाई कसम से टोपी उड़ के जाने वाली थी, अगर टोपी उड़ती तो मैं शिप वालों के पैसे नहीं देता। गाइस यहाँ पर चल रही है मच्छी पकड़ने की नाकाम कोशिशें। जब तक ये मच्छी पकड़ते हैं हम चलते हैं सोने, क्योंकि तू भी चल रहा है? हाँ, बहुत नींद है। सारे चलते हैं सोने, सूरज ढलने वाला है, अब मिलते हैं थोड़ी रात को। ओके, तो रात के बज गए 10 एंड इस वक्त आप माहौल देख सकते हो बाहर क्या हो रहा है, लिटरली पूरा अंधेरा बड़ा है। तो मैंने ये सोचा है कि ना मैगी कंपटीशन करा जाए, जासूस भाई का और राजन भाई का, जो अच्छी मैगी बनाएगा मैं उसको दूंगा 5,000 रुपए। 3, 2, 1 गो। 3 मिनट है मैगी बनाने के लिए, प्रॉपर मैगी के लिए 3 मिनट ही है भाई, 3 मिनट में बनानी है। चाय पत्ती तो खाली कर देते हैं। मैगी चैलेंज चल रहा है, जो जीतेगा 5,000 इनाम है। गाइस यहां पर हो गया इंटेंस मैगी कंपटीशन फॉर 5,000 bucks। कम ऑन। ओहो मैगी डल गई है, सब हो रहा है। मिनरल वाटर वाली खानी है, सिंपल वाटर वाली, फैंटा मैगी, बिस्लरी, बेटा 3 मिनट ही है। ओहो यहाँ रेडी हो गई है मसाला मैगी, यहाँ पर मसाला मैगी की अभी इसने लड़के ने HM करी है, तो तू जीतना चाहिए। मैगी भाई ने बनाई है कैटल में और भाई बना रहा है माइक्रोवेव में, दोनों भाई अलग अलग। अपना भी सिस्टम स्टार्ट हो गया। आर यू हैप्पी? ये घूम क्यों नहीं रहा? ये माइक्रोवेव खराब है, मैं मार रहा हूं, ये मेरी गलती नहीं है भाई, ये चीटिंग हो गई। चीटिंग हो गई मेरे साथ। हो गए 3 मिनट पूरे। तो भाई अब जिसके सबसे पहले बनेगी ये मजनू भाई। भाई साहब आपकी मैगी के भी 3 मिनट हो गए भाई साहब, चल रही है भाई, अभी देखा मैंने, बिल्कुल परफेक्ट गर्म कर रहा है। ये बहाने हैं गोवा में आके, गोवा में आके अगर आप सोते हो तो जिंदा हो तुम। वो ऐसी हिंदी में है कि अभी दे दी ना। भूल गया भाई, भाई भूल गया, डायरी देख के आता हूँ। भाई लग तो सही रही है, सही है, परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट डायरी। भाई तेरी तो अभी पक्की हुई नहीं लग रही। सबसे पहले मैं खाने वाला तेरी वाली मैगी, ठीक है? मजेदार, क्या दिस इज कॉल्ड एल डांटे? ऐसी भी कोई मैगी होती है? फरमाइए। यू विन, ये आपकी एल डांटे हारती है भाई आज। भाई 5,000 नहीं मिलने वाले क्योंकि 3 मिनट में बनानी थी जीतने के लिए। क्यों, ये ज्यादा अच्छी है? ये बहुत बढ़िया है, ये गली हुई है। एल डांटे ज्यादा अच्छी है, एल डांटे इज बेटर। ब्रेड से काम नहीं चलना। पिछले 20 मिनट से बैठे हुए हैं, मच्छी पकड़ेंगे, हम तो नॉन वेज खाते हैं। मैंने कहा देखो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और वैसे भी रात को फिशिंग कौन करता है? मतलब वो देख कैसे बैठा हुआ है, वो देख तो
अबे बिली ना साथ ही ले जाए। इतना चिपचिपा हो रखा है और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे सच में सब कुछ फट चुका है, मेरे यहाँ पैरों पे इतने निशान आ चुके हैं यहाँ पर। इट्स वेरी टफ, बहुत ही ज्यादा माहौल अजीब हो रखा है। इट्स वेरी पीसफुल, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आपको शिन जिन जिन चर 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 की आवाज आएगी और वो इतना पीसफुल। एक बार सोचो, मैं यहाँ सो रहा हूँ, मेरा दोस्त नीचे सो रहा है, एक पीछे और तो और भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस करा कि मेरी शर्ट यहाँ से पूरी फट चुकी है। ये मैं अभी स्पेशली नई लेके आया था इसी वीडियो के लिए। मिस्टर बीस्ट ने मेरा चैन वैन सब ले लिया। कर लूंगा 24 आवर सर्वाइव, ज्यादा नहीं, सुबह 6 बजे से चैलेंज कर रहा हूँ, रात के 12:30 हो रहे हैं, 6 घंटे तो रहने। अब जाऊंगा नीचे जाके सो जाऊंगा मस्ती करके, दोनों दोस्त सो रखे हैं, जाऊंगा 6 बजे उठूंगा, सनराइज देखूंगा और निकलूंगा। मिस्टर बीस्ट का चैलेंज कंप्लीट। बट मैं सच बताऊं, आई वुड हैव क्विट दिस चैलेंज, मतलब मैं पहले ही लाइक 2-3 घंटे में क्विट कर देता चैलेंज अगर मिस्टर बीस्ट ने नहीं दिया होता ये चैलेंज। 90% हमने कंप्लीट कर दिया। I am loving it. Finally, guys, it's time to bid good night. It's like 3:30 in the night. मैं को टाइम का भी बेहोश होने वाला हूँ मैं भाई, खत्म, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में और ये चैलेंज को करते हैं दी एंड, उसके बाद बाय। That's it. That's how I spent 24 hours in middle of an ocean. Completed the dare of the man I love the most. वही है, इस वीडियो से मैंने ये सीखा कि everything has its cost. Like आप जिंदगी में जो करना चाहो आप कर सकते हो, but सबकी एक कीमत होती है. Next day मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया. Like my friends वो भी sick पड़ गए, but thanks to them जिन्होंने मेरा साथ दिया. I really want you guys to support me after this video. I want you guys to make me reach 10 million subscribers. In the end, guys, अगर आप लोग भी अपना interest pursue करना चाहते हो और उससे आप एक अच्छी job पाना चाहते हो, तो Relevel is the solution. लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।